मॉर्निंग बच्चों बच्चों, जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने आपको पढ़ाया था कि किस पॉलिन ग्रेन जो है वो कहाँ बनते हैं और जो एंथर है उसमें किस किस तरह से पॉलिन शैक बने हुए हैं या स्पोरेंजिया बनी हुई हैं और किस तरह से जो है उनका अरेंजमेंट है। बच्चों अब इस लेक्चर में हम आपको ये समझाएंगे कि ये पॉलिन ग्रेन बनते कहाँ हैं माइक्रोस्पोरेंजिया में, तो ये माइक्रोस्पोरेंजिया का डेवलपमेंट किस तरह से होता है, कैसे एक यंग एंथर में माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप होती है और इस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर किस तरह से माइक्रोस्पोर या पॉलन मदर सेल का डेवलपमेंट होता है। बच्चों सी केयरफुली कि आप जानते हैं कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम है इसका डेवलपमेंट दो तरह का होता है। हमने आप याद करिए आपको टेरिडोफाइट्स में और पढ़ाया था कि जो स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट है वो दो तरह से होता है, एक लेप्टोस्पोरेंजिएट और एक यू स्पोरेंजिएट। लेप्टोस्पोरेंजिएट स्पोरेंजिया वो होती हैं जब स्पोरेंजिया एक ही इनिशियल सेल से डेवलप होती है, व्हेन स्पोरेंजिया डेवलप्स फ्रॉम द सिंगल इनिशियल तब आप उसको लेप्टोस्पोरेंजिएट कहते हैं। लेकिन यहाँ पर एंजियोस्पर्म में जैसे ज़्यादातर फर्न ऐसे होते हैं जहाँ पर स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप होता है, लेकिन यहाँ पर जो स्पोरेंजिया डेवलप होगी दैट इज यू स्पोरेंजिएट टाइप, यानी कि ये जो आपका एंथर है इस एंथर में यहाँ पर चार लोब बनते हैं, आपको बताए थे टेट्रालोब जो है ये टेट्रालोबुलर होता है और इसमें यू स्पोरेंजिएट टाइप का डेवलपमेंट होगा। ये बच्चों यंग एंथर है, यंग एंथर का जब हम लोग टीएस काटते हैं देखिए तो हम ये देखते हैं कि इसमें सबसे बाहर की तरफ देयर इज सिंगल लेयर इपिडर्मिस, एक इपिडर्मिस की लेयर है जो कि एक कोशिका की मोटाई की है और इसके अंदर आप मेरिस्टमेटिक सेल्स देखते हैं। मेरिस्टमेटिक सेल्स हम आपको बताए हैं कि इनमें लगातार डिवीजन की क्षमता होती है, जो कि यंग एंथर है इसको मैच्योर होना है तो इसमें लगातार डिवीजन होता रहता है। यू स्पोरेंजिएट टाइप ऑफ डेवलपमेंट यह है कि जब ग्रुप ऑफ इनिशियल जैसे कोशिकाएं हैं एक से नहीं कम से कम इसमें मतलब मोर देन वन 2, 3, 4, 5 सेल्स जो है एक साथ मिल करके आर्किस्पोरियल सेल की तरह काम करेंगी और वो एंथर के पॉलन ग्रेन के डेवलपमेंट में भाग लेंगी, तो इस तरह का जो माइक्रोस्पोरेंजिया का डेवलपमेंट होता है दैट इज नोन एज यू स्पोरेंजिएट टाइप। अब ये यू स्पोरेंजिएट टाइप ऑफ डेवलपमेंट में जो यंग एंथर है इसमें सबसे बाहर की तरफ की वॉल जो है वो क्या है इपिडर्मिस। मैं आपको बताया कि द आउटर मोस्ट वॉल इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स एंड दैट इज इपिडर्मिस। अब इस इपिडर्मिस के नीचे जो मेरिस्टमेटिक सेल्स हैं यहाँ पर कुछ सेल्स जो मेरिस्टमेटिक सेल्स हैं उनमें से कुछ सेल्स जो है वो आकार में बड़ी और उनका जो साइटोप्लाज्म है वो डेंस हो जाता है, घना हो जाता है, न्यूक्लियस का साइज बड़ा हो जाता है और ये कोशिकाएं जो होती हैं वो आर्किस्पोरियल सेल की तरह व्यवहार करने लगती हैं। ये इन्हीं में से जो मेरिस्टमेटिक टिश्यू है इन्हीं में से देख रहे हैं ना कुछ सेल्स जो हैं वो आर्किस्पोरियल सेल्स की तरह व्यवहार करती हैं क्योंकि यही आर्किस्पोरियल सेल्स आगे चल करके डिवाइड होंगी। अब बच्चों ये आर्किस्पोरियल सेल्स जो हैं आपने देखा कि ये लोब्स पर होती हैं और इनमें पेरिक्लाइनर डिवीजन होता है, हमने आपको समझाया है एंटीक्लाइनल और पेरिक्लाइनर डिवीजन क्या होते हैं। जब कोई भी कोशिका अगर हॉरिजेंटली डिवाइड होती है, सपोज करिए हियर इज द सेल एंड दिस सेल्स डिवाइड हॉरिजेंटली देन यू से कि दिस इज द पेरिक्लाइनर डिवीजन, तो यहाँ पर जो आर्किस्पोरियल सेल्स हैं इनमें पेरिक्लाइनर डिवीजन होता है और दो लेयर बनती है, जो बाहर की तरफ की लेयर होती है उसको हम लोग प्राइमरी पेराइटल लेयर कहते हैं और जो अंदर की तरफ कोशिकाएं बनती हैं वो जो अंदर की तरफ कोशिकाओं की लेयर बनती है उसको
प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स कहते हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि जो यंग एंथर है इसमें जो मेरिस्टमेटिक टिश्यू है उसमें इपिडर्मिस के ठीक नीचे जो मेरिस्टमेटिक टिश्यू है उसकी कुछ कोशिकाएं साइज में बड़ी हो जाती हैं, न्यूक्लियस बड़ा हो जाता है, साइटोप्लाज्म डेंस होता है, ये बाकी की कोशिकाओं से अलग दिखती हैं और इन्हीं सेल्स को हम लोग आर्किस्पोरियल सेल्स कहते हैं। इन आर्किस्पोरियल सेल्स में पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है। दिस डिवीजन इज नोन एज पेरिक्लाइनल। पेरिक्लाइनल का मतलब है बच्चों कि ये डिवीजन हॉरिजेंटल होगा एंड एंटीक्लाइनल डिवीजन यू नो कि दैट डिवीजन इज द वर्टिकल डिवीजन। तो यहाँ पर पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा और एक कोशिका से दो, एक लेयर जो थी कोशिका है उनसे दो लेयर बनेगी। जो आउटर मोस्ट लेयर होगी उस लेयर को हम लोग प्राइमरी पेराइटल सेल कहते हैं और जो इनर लेयर होगी वो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स की होगी। अब ये जो प्राइमरी पेराइटल सेल्स की लेयर है ये लेयर जो आपकी माइक्रोस्पोरेंचिया बनेगी उसकी वॉल का फॉर्मेशन करती है और जो प्राइमरी स्पोरोजिनस लेयर है इस लेयर से आपकी माइक्रोस्पोरेंचिया बनेगी। अब बच्चों इसके बाद जो एंथर है वो देखिए हमें कुछ इस तरह से लोब्ड दिखने लगता है। मतलब यहाँ के बाद जब एंथर में डेवलपमेंट होता है जब आर्किस्पोरियल सेल्स डिवाइड होती हैं प्राइमरी पेराइटल सेल और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स बनने लगती हैं तो जो एंथर है इसकी संरचना लोब्ड यानी कि ये लोब बड़े होने लगते हैं और इस ये टेट्रालोकुलर बन जाते हैं। आगे देखिए जा करके डिफरेंशिएटेड पेराइटल सेल और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। दिस इज द कंडक्टिंग स्ट्रैंड जिसको प्रोकैम्बियन स्ट्रैंड के नाम से जानते हैं जो कि कंडक्शन का काम करती है। इसके बाद देखिए इस संरचना के बाद ये है आपका पूरा का पूरा जो एंथर है आपने जो लिया था वो डाइथीकस था इसलिए वो टेट्रालोकुलर हो गया, उसमें जो स्पोरेंचिया बनेंगी उनकी संख्या चार हो गई। अब देखिए दिस इज द टीएस ऑफ यंग एंथर जिसमें कि फोर माइक्रोस्पोरेंचिया हैं और ये बीच में कंडक्टिंग स्ट्रैंड है। अब जब इस एक लोब जो दिस इज द वन लोब जब हम एक लोब को सेलुलर हाईलाइट करके जब इसको देखते हैं तो इसकी संरचना इस तरह की दिखती है। देखिए डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ वन माइक्रोस्पोरेंचिया। आप याद करिए पिछला लेक्चर जिसमें हमने आपको माइक्रोस्पोरेंजिया की संरचना बताया था तो हमने आपको बताया था ये डायग्राम। अब देखिए जो प्राइमरी पेराइटल लेयर है दिस अंडरगो रिपीटेटिव डिवीजन और इसमें चार से पांच लेयर्स बनती हैं। ये लगातार इसमें पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल दोनों डिवीजन होते रहते हैं क्योंकि कोशिका लेयर में भी बढ़नी है और संख्या में भी बढ़नी है, उसको पूरे के पूरे जो स्पोरोजिनस टिश्यू है इसको कवर करना है। इसलिए जो प्राइमरी पेराइटल सेल हैं दे अंडरगोस रिपीटेटेड डिवीजन ऑफ पेरिक्लाइनल एंड एंटीक्लाइनल और ये डेवलपमेंट करके क्या बनाती है पूरी माइक्रोस्पोरेंजियम की वॉल बनाती है। अब बच्चों ये 4 to 5 लेयर वॉल बनाती है। देखिए सबसे बाहर इपिडर्मिस है, इपिडर्मिस के जस्ट नीचे की जो कोशिकाएं होती हैं वो एंडोथीसियम कहलाती है। आपको पिछले लेक्चर में बताए थे कि ये कोशिकाएं बड़ी होती हैं, लंबी होती हैं, इनमें फाइब्रस थिकनिंग होती है जिसकी वजह से ये हाइग्रोस्कोपिक होती हैं और ये वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं जिसकी वजह से कि ये एंथर के डेसेंस हेल्प करती हैं। इनके जस्ट नीचे 2 to 3 लेयर होती है, ये देखिए 1 to 2 लेयर जो दिख रही है दिस इज द मिडिल लेयर। अब ये जो मिडिल लेयर है बच्चों ये दोनों के बीच में देखिए दबी हुई है, बाहर की तरफ जो है वो एंडोथीसियम तथा अंदर की तरफ टैपिटम, इन दोनों लेयर्स से दबी हुई है जो इपिडर्मिस के नीचे की पूरी ये लेयर है और इनमें ये मिडिल लेयर है और मिडिल लेयर बाहर की तरफ एंडोथीसियम और अंदर की तरफ टैपिटम, इन दोनों लेयर के बीच में दबी हुई दो सेल मोटी ये मिडिल लेयर है। अब इनके बाद जो थर्ड लेयर आती है दैट इज द इनर मोस्ट लेयर एंड दैट इज कैपिटम।
अब वाल की जो इनर मोस्ट लेयर है वो टैपिटम है और ये टैपिटम जो है बच्चों ये इसका काम होता है कि ये डेवलपिंग जो माइक्रोस्पोर हैं, जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है डेवलपिंग जो पॉलन मदर सेल है इन्हें न्यूट्रिशन देती हैं और ये बाद में आपको बताएंगे कि डेवलपमेंट के आधार पे या इसके जो इनका वर्क है फंक्शन है उसके आधार पे दो तरह की होती है। अब देखिए जो इनर लेयर थी प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल ये सेल्स लगातार अंडरगोज कंटिन्यूस डिवीजन और ये पूरा का पूरा माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाती हैं। अब इन्हीं माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोटिक डिवीजन होगा और वो पॉलन ग्रेन बनाएंगे या माइक्रोस्पोर बनाएंगे। तो ये पॉलन मदर सेल हो गई, ये पॉलन मदर सेल जो होंगी वो मियोटिक डिवीजन के बाद पॉलन ग्रेन का निर्माण करती हैं। बच्चों जो ये आपका वॉल है किसकी, माइक्रोस्पोरेंजियम की जो वाल है ये वाल जो होती है ये इस जो यहाँ पर आपकी प्राइमरी पेराइटल लेयर है इसके डिवीजन और जो मिडिल लेयर है इसमें इनके कंट्रीब्यूशन के आधार पे जो है ये चार तरह की होती है। फर्स्ट है बेसिक टाइप, बेसिक टाइप में जो आपकी मिडिल लेयर है ये मिडिल लेयर जो दो तरह की सेल्स से बनी होती है, क्या जो प्राइमरी पेराइटल सेल है ये अंडरगोस डिवीजन और दो लेयर बनाती है, एक जो है आउटर लेयर और दूसरी जो होती है इनर लेयर। ये आउटर सेकेंडरी प्राइमरी पेराइटल लेयर और इनर सेकेंडरी प्राइमरी पेराइटल लेयर में डिवाइड हो जाती है। अब अगर जो मिडिल लैमेला है जो बेसिक टाइप होता है उसमें क्या होता है कि जो मिडिल लैमेला है ये जो मिडिल लेयर है इसमें से एक लेयर आउटर सेकेंडरी पेराइटल लेयर से आती है और एक लेयर इनर सेकेंडरी पेराइटल लेयर से आती है। इस तरह से मिडिल लैमेला में जो मिडिल लेयर में जो दो लेयर हैं वो प्राइमरी पेराइटल सेल के डिवीजन के बाद जो आउटर सेकेंडरी पेराइटल सेल और इनर सेकेंडरी पेराइटल सेल बनी है उनमें से दोनों तरफ से एक एक तरफ से आती है। और दूसरा टाइप जो है दैट इज डाइकोटिलेडनस टाइप जिसमें कि मिडिल लेयर इज कंट्रीब्यूटेड बाई आउटर सेकेंडरी पेराइटल लेयर। जब ये दोनों लेयर आउटर सेकेंडरी पेराइटल लेयर के कंट्रीब्यूशन से बनती हैं तो उसको हम लोग डाइकॉट टाइप कहते हैं। एंड थर्ड इज मोनोकोटिलेडनस टाइप, जब मिडिल लेयर जो होती है बच्चों ये पूरी तरह से इनर वॉल जो होगी उससे मिडिल लेयर कंट्रीब्यूटेड बाय वनली इनर सेकेंडरी पेराइटल लेयर देन इट इज कॉल्ड एज मोनोकोटिलेडनस टाइप। एंड फोर्थ टाइप इज रिड्यूस्ड टाइप जिसमें कि मिडिल लेयर जो होगी वो आपकी एब्सेंट होगी, जब मिडिल लेयर एब्सेंट होगी तो उसको हम लोग रिड्यूस टाइप कहते हैं, जो एंथर वॉल है उसमें मिडिल लेयर एब्सेंट है। ठीक है, अब देखिए जो इसमें एंडोथीसियम है, एंडोथीसियम इज ऑलवेज कंट्रीब्यूटेड बाई सेकेंडरी जो आउटर सेकेंडरी पेराइटल सेल होगी, हमेशा एंडोथीसियम इज कंट्रीब्यूटेड बाय आउटर सेकेंडरी पेराइटल लेयर। हमेशा क्या होगा, जो एंडोथीसियम होगी वो बाहर की तरफ जो सेकेंडरी पेराइटल लेयर बनी है उससे बनेगी और जो आपकी टैपिटम है ये हमेशा आउटर इनर सेकेंडरी पेराइटल लेयर से बनेगी, जो अंदर की तरफ सेकेंडरी पेराइटल लेयर बनी है उससे बनेगी। तो इस तरह से बच्चों ये जो एंथर वॉल है ये एंडोथीसियम मिडिल लेयर और आपका टैपिटम इन तीनों लेयर से बनी है और ये स्पोरोजिनस लेयर। अब इसमें क्या है कि जो टैपिटम है ये दो तरह की होती है, एक को हम लोग अमीबॉयड टैपिटम कहते हैं और दूसरे को सेक्रेटरी या ग्लैंडुलर टैपिटम कहते हैं। जो अमीबॉयड टैपिटम है उसमें जो ये
एपिडर्म की वॉल्स हैं, ये सब की सब डिजॉल्व हो जाती हैं और ये पूरा एक मास बन जाता है और जो डेवलपिंग माइक्रोस्पोर मदर सेल को न्यूट्रिशन देता है। दूसरी चीज ये है बच्चों कि ये जो टैपिटम लेयर है ये एज सच बनी रहती है और ये सेक्रेटरी या ग्लैंडुलर नेचर की हो जाती है और जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है इसको ये सिक्रेशन के थ्रू न्यूट्रिशन प्रदान करती है। इस तरह से आपने देखा कि ये आपका पूरा का पूरा कैसे माइक्रोस्पोरेंशियम की वॉल डेवलप होगी और कैसे माइक्रोस्पोरेंशियम डेवलप हो रही है ये हमने आपको बताया। अब थोड़ा आगे संक्षेप में हम आपको किस तरह से मियोसिस होगी और पॉलन ग्रेन्स का निर्माण होगा वो बताएंगे। थैंक यू बच्चों।